हेलो दोस्तों, अनीताज रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी फूल गोभी का खीर, जिसके लिए हमने लिया है आधा केजी फूल गोभी। इसे धोकर फ्रेश कर लिए हैं। 1.5 लीटर दूध है, चीनी 4-5 चम्मच, अलमंद कटा हुआ, गड़ी कटा हुआ, 2 छोटी इलायची। अब हम दूध को बॉयल करने के लिए चढ़ा देंगे। जब तक दूध हमारा बॉईल हो रहा है, तब तक हम गोभी को ग्रेट कर लेंगे। इसका फ्रेश भाग, ऊपर का जो फूल है इतना, उसी को हम ग्रेट करेंगे और गोभी ताज़ा लेंगे। खीर का टेस्ट भी अच्छा आएगा और ग्रेट करने में भी आराम होगा। इस तरीके से इसे ग्रेट करेंगे। गोभी के डंठल को फेंकेंगे नहीं, इसका सब्जी या भुजिया बनाकर कुछ भी यूज कर लेंगे। गोभी हमारा ग्रेट हो गया है, अभी इसे हम घी में भून लेंगे। कढ़ाई हमारा गरम हो गया है, इसमें हम घी डाल देंगे। थोड़ा सा घी डालेंगे, ड्राई फ्रूट्स जो काट कर हम रखे हैं उसे हल्का सा भून लेंगे। इससे खीर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसे आप बिना भुने भी डाल सकते हैं। इसे हम भून लेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा। ड्राई फ्रूट्स हम भून कर निकाल लिए हैं। अब उसी बर्तन में हम 1 चम्मच घी और डालेंगे। घी थोड़ा पिघल जाएगा, उसके बाद हम गोभी को भून लेंगे। इसे बहुत ज्यादा नहीं भूनना है, बस कलर चेंज होने तक भूनेंगे। गोभी हमारा भून गया है, कलर इसका थोड़ा चेंज हो गया है पहले से। अब हम इसे दूध में डाल लेंगे। दूध हमारा बॉयल हो गया है, अब हम इसमें डाल देंगे गोभी। अब इसे एकदम गाढ़ा होने तक चलाते हुए पकाएंगे। दूध हमारा एकदम गाढ़ा हो गया है, खीर पक गया है। अब हम इसमें चीनी डाल लेंगे। चीनी बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, आप चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। अब इसे हम 5 मिनट पकाएंगे। 5 मिनट हो गया है, खीर हमारा बन के तैयार हो गया है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल लेंगे, छोटी इलायची भी डाल लेंगे। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अगर मेरा रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।